धार के पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में आज किसान सम्मेलन के आयोजन के तहत जिले भर से आए कृषकों को लाइव टेलीकास्ट द्वारा एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबोधित करते हुए कृषि बिल से जुड़े लाभों और भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर आज किसान हितग्राहियों को खरीफ 2020 की फसल क्षति की राहत राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और धार विधायक नीना विक्रम वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री दत्तीगांव ने अपने संबोधन में केंद्र पर प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों के हित में सोचने और कार्य करने वाली सरकार बताते हुए सरकार द्वारा लाया गया किसान बिल की तारीफ की और नए किसान बिल को किसानों के फायदे और उन्नति के लिए बताया। कार्यक्रम के दौरान पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाद में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन भी एलईडी के माध्यम से सुनाया गया। कार्यक्रम में धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में जिले के किसान उपस्थित रहे। इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निकला। बमुश्किल खत्म में नहीं हुआ था कि गेहूं की फसल पिछले वर्ष तैयार होके आ गई। अब कैसे किसान मंडियां पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। अच्छी योजना थी जिसका किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से अपडेट या तो आधार नहीं हो पाते थे या कहीं ना कहीं गैप था या प्रशासनिक उसको जिस सक्रियता से उस अभियान को लिया जाना था नहीं लिया गया था। आज किसान सम्मेलन सभी दूर रखा गया जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। इस किसान सम्मेलन में किसान हितैषी कई योजनाओं का हमने किसानों को लाभ भी दिया, चाहे किसान सम्मान निधि रही हो या किसानों के जहाँ जहाँ हर जाना नुकसान है उसका पैसा रहा हो या बाकी बीमे की राशि रही हो, इन सभी चीज़ों का हमने वितरण भी किया है। और आने वाले समय में जो भी किसानों की दिक्कतें हैं उसकी चर्चा की गई। किसान बिल जिसको विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि किसान विरोधी है, जो भ्रम फैलाया जा रहा था उस भ्रांति को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सुना कि किसान बिल में यह स्पष्ट है कि किसान अपनी स्वेच्छा से अपना उत्पाद देश में कहीं भी बेच सकता है, और तो और पहली बार उसे ये भी अवसर मिला है कि उसे एक्सपोर्ट तक कर सकता है दूसरे लोगों के माध्यम से, ई पोर्टल पर वो बेच सकता है। और मंडी अपनी जगह कार्यरत है, मंडी में MSP है, तो किसान को तो हमने और कई विकल्प उसके समक्ष रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा अवसर और किसान को मिला है, जहां वो फसल जब बोने जाता है तभी अगर उसको किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसकी कीमत निश्चित हो जाती है। न सिर्फ कीमत न्यूनतम दर निश्चित हो जाती है बल्कि आने वाले भविष्य में अगर उसको बेहतर दर मिल रही है तो फिर उसके पास विकल्प खुला है कि वो उसको उस बेहतर दर पे बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो तमाम बातें आज हुई हैं और किसान को इस बात का एहसास दिलाया गया है कि जो वादा किसान की फसल की मेहनत की आय को दुगना करने का संकल्प जो मोदी जी ने लिया था उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार फार्मा पार्क की योजना ला रहा है जो देश में 4 से 5 जगह प्रस्तावित है, मध्य प्रदेश में कितने संभावना? 3 राज्यों को चयनित किया जाएगा जिनको करीब 1,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मध्य प्रदेश उसमें प्रबल दावेदार है। मोहासा बाबई में हमने एक बहुत ही बेहतरीन पार्क डेवलप किया है, वहाँ हम कॉम्पिटिटिव जो तमाम मापदंड रखे गए जिन पे मार्किंग होनी है, जिन पैरामीटर्स पे जजमेंट हो के मार्क हो के उसको आवंटित होना है, वो उसमें हम अच्छी स्थिति में है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि फार्मा पार्क मध्य प्रदेश को महासभा में अवश्य मिलेगा। फार्मा पार्क हमें मिलता है तो ना सिर्फ 1,000 करोड़ का हमें इंसेंटिव मिलता है बल्कि हम नव रोजगार का सृजन करेंगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाने में वो सहायक होगा। धार जिले के लिए कुछ नई योजना? धार जिले में तो सेक्टर 4 और 5 प्रथमपुर में डेवलप हो ही रहा है, जिसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, लैंड पूलिंग के माध्यम से वहाँ कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। आपको पता है महिंद्रा ने एक्सपेंशन यहाँ पे किया है। अभी मैंने हेटर्स इंडिया की हेटर्स इंडिया जो जर्मन कंपनी हेटर्स,
फर्नीचर में अग्रणी हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आईकिया हो या दूसरी तमाम कंपनीज उन्हीं से लेती हैं। उसका एक प्लांट हमारे यहाँ पे बहुत स्टेट